और यहाँ पे हमें ऑप्शन गिवे है तो अगर मैं स्टेटमेंट वन की बात करता हूँ मान लेता हूँ इस तरह से हमारे पास कोई एक प्लेन मिरर था देखो इसकी एक सर्फेस होती है पॉलिस्ड जिसको बोला जाता है नॉन रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ये आगे हमारे पास देखो ये सर्फेस पे रिफ्लेक्शन हमें नहीं होगा इसके सामने वाली सर्फेस पे हमें रिफ्लेक्शन मिलेगा क्लियर अब यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट अभी ओ रखा गया है ऑब्जेक्ट देखो ओ रखा गया है इस मिरर से उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लाइट से डी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा गया था मिरर से कितनी डिस्टेंस पे डी डिस्टेंस पे डिस्टेंस कितनी है डी डिस्टेंस पे है तो ये देखो ये मिरर क्या करेगा इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनाएगा वो देखो एक वर्चुअल इमेज बनाएगा देखो उतनी सेम डिस्टेंस बनाएगा तो उस ऑब्जेक्ट की ये मिरर ने इमेज बनाई कितनी डिस्टेंस बनाएगा देखो सेम डी डिस्टेंस पे बनाएगा और हमेशा याद रखिए जो मिरर होता है वर्चुअल इमेज बनाता है क्लियर तो इस तरह से हमने देखा इस ऑब्जेक्ट की एक सिंगल इमेज बनी है एक हमारे पास देखो सिंगल ऑब्जेक्ट था उसकी ये मिरर ने कितनी इमेज बनाई है सिर्फ एक सिंगल इमेज बनाई है क्या इस इमेज की वापस से ये मिरर इमेज बना सकता था नहीं क्योंकि ये जो इमेज है देखो इस मिरर के नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड पे आ गई है दोबारा इसकी इमेज पॉसिबल ही नहीं है तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट की मिरर एक सिंगल इमेज बनाएगा इट मीस स्टेटमेंट ओन हमारा बिल्कुल करेक्ट है और ये इमेज कैसी होती है देखो इमेज हमारा वर्चुअल होती है इरेक्ट इमेज होती है यहाँ पे देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट था तो इमेज देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट का ही बना हुआ है लेकिन ये क्या है वर्चुअल है वर्चुअल का मतलब एक्चुअल में यहाँ पे इमेज बनी नहीं होगी देखो इमेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं दो रे मिरर पे डाल सकते थे देखो इस तरह से हम ऐसे बना सकते थे इमेज ऐसे इसको मैंने यहाँ पे एक रे कर दिया इसको मैं आगे बढ़ा दिया और पीछे यहाँ पे भी मैंने एक रे डॉटेड बढ़ाया है अभी इसको आप समझ जाएंगे फिर मैंने इसको आगे बढ़ा दिया अब यहाँ पे देखो इसको थोड़ा मैं और सही करता हूँ स्ट्रेट जाएगी बिल्कुल एकदम स्ट्रेट होती है ये रे इस तरह से हमारे पास देखो ये रे निकल जाएगी ये हमारे पास रियल वाली रे थी अब ऑब्जेक्ट से रे पे आई होंगी ऑब्जेक्ट से मैंने देखो इस मिरर पे एक रे डाला मिरर ने क्या किया उस रे को देखो क्या कर दिया रिफ्लेक्ट कर दिया ये इसको कहते हैं इंसिडेंट इंसिडेंट रे मिरर मिरर पे हुई देखो ने ब्लैक वाली रे रिफ्लेक्टेड थी इसको जब आप पीछे बढ़ाओगे तो देखो पॉइंट यहाँ पे आई इसी तरह से एक रे हमने और डाला देखो इस पे मिरर पे एक रे मैंने और डाला वो, वो दे रे देखो मिरर ने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया उसी सेम एंगल पे इस तरह से देखो ये मिरर पे इंसिडेंट एंगल थी ऑब्जेक्ट से आई थी इंसिडेंट रे यहाँ पे देखो ये रिफ्लेक्टेड रे थी मिरर ने रिफ्लेक्ट किया तो देखो एक्चुअली इस एरिया में रियल में रीजन में तो ये दोनों रे कभी मिलेंगे नहीं तो हमें देखो वर्चुअली इनको पीछे बढ़ाना पड़ा और पीछे देखो दोनों इस पॉइंट पे मिली तो वो हमारा उस ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया तो इस तरह से रे डायग्राम से भी आप देख सकते थे किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हमारे पास प्लेन मिरर होगा तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट सिंगल है तो उसकी सिंगल इमेज ही बनाएगा क्लियर अब यहाँ पे देखना सेकेंड रहा प्लेन मिरर है जे फाइनाइट फोकल लेंथ ये तो बिल्कुल गलत बात है प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो हमारा इनफाइनाइट होता है फोकल लेंथ देखो इस तरह से हमारे पास देखो इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है हमेशा इनफाइनाइट होती है इसी से हम प्लेन मिरर पढ़ते हैं प्लेन मिरर जब पढ़ते हैं तो सबसे पहली डिफिनेशन हमारी होती है कि जो प्लेन मिरर होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है हमारे पास कितनी होती है इनफाइनाइट क्योंकि ये स्ट्रेट है एकदम देखो एक कर्व पार्ट नहीं है तो ऑप्शन नंबर टू हमारा हो जाएगा